साल 2022 में व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया पर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। T20 विश्व कप में हार के बाद से टीम सेलेक्शन और टीम में ढेर सारे बदलावों की बात हो रही है, क्योंकि साल 2023 में 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप बहुत जल्द खेला जा रहा है। उस विश्व कप में कौन सी भारतीय टीम उतरेगी, इस पर अभी से चर्चा शुरू हो गई। वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार ब्रेटली ने कहा है कि उनकी नज़र में ईशान किशन को भारत में होने वाले विश्व कप में टीम का ओपनर होना चाहिए। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए ली ने कहा, दोहरे शतक के साथ ईशान ने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारत के लिए ओपन करने के लिए अपना मजबूत दावा पेश कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा होगा मुझे नहीं पता, क्या ऐसा होना चाहिए निश्चित तौर पर। ब्रेटली ने आगे ये भी कहा, उस बंदे ने हाल में वनडे हिस्ट्री का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, अब अगर वो अगले कुछ महीनों तक कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, फिट रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो विश्व कप में भारत के ओपनर होंगे। ईशान किशन के खेल से प्रभावित ब्रेटली ने साफ इशारा दिया है कि उनकी नज़र में तो केएल राहुल का रिप्लेसमेंट ईशान किशन ही है। ली ने अपने चैनल पर कहा, कुछ दिन पहले हमने ईशान किशन का जो खेल देखा वो सच में लाजवाब था। बांग्लादेशी गेंदबाजों के पास उस बल्लेबाजी का कोई भी जवाब नहीं था। वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक, 132 गेंदों में 210 रन, 24 चौके, 10 लंबे छक्के, क्रिकेट के मैदान पर हर तरफ शॉट्स के साथ एक भयंकर पारी। हाल में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में ईशान किशन ने एक दोहरा शतक लगाया था। उनकी उस पारी की मदद से भारत ने बांग्लादेश को मुकाबले में 227 रन से हरा दिया था। उस मुकाबले में ईशान किशन चोटिल रोहित शर्मा की जगह टीम में आए थे। दरअसल मामला ये है कि ब्रेटली ईशान किशन की वो पारी देखकर बेहद खुश हैं और उन्हें लगता है कि ईशान भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। हालांकि ईशान की तारीफ के साथ ही ली ने उन्हें एक सलाह भी दी है। ली ने कहा है कि ईशान को भारतीय क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप के दल में शामिल किया जाना चाहिए। खुद ईशान भी इस वक्त आत्मविश्वास से भरे होंगे, हालांकि उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दूंगा, बहुत अधिक प्रशंसा आपके सिर पर चढ़ जाती है, इसलिए मेरी उन्हें यही सलाह है कि वह उस दोहरे शतक को भूल जाए, क्योंकि उन्हें और भी बड़े माइलस्टोन छूने हैं, उन्हें इस विश्व कप तक फिट रहना है और बड़े रन्स बनाने। भारत की वनडे टीम के लिए ईशान किशन का नाम बहुत आगे चल रहा है। ब्रेटली ही नहीं, भारत में भी क्रिकेट फैंस और जानकार ईशान किशन को भारत की वनडे टीम का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग करते रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरीके की टीम चुनती है, उसमें ईशान किशन की जगह बनती है या नहीं। कैमरे के पीछे हैं जतिन, मेरा नाम है विपिन। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी खबरें आपको मिलती हैं, किससे मिलते हैं, कहानी मिलती है, इंटरव्यूज मिलते हैं, सब कुछ खेलों से जुड़ा सबसे पहले मिलता है। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।